बिहार में लॉकडाउन 4 की छूट और पाबंदियां आज 2 जून से लागू। बिहार पंचायत चुनाव टला, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियां बने रहेंगे। उनके लिए विशेष अध्यादेश लाकर, कानून लाकर, परामर्श समिति यानी कि कह सकते हैं परामर्श समिति के माध्यम से लोकतंत्र बना रहेगा और पंचायत प्रतिनिधि काम करते रहेंगे। सलाहकार समिति के रूप में वह कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल कैबिनेट में इसे पास भी कर दिया गया है और पंचायत चुनाव प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून तक है और 15 जून के बाद स्वतः उनका कार्यकाल समाप्त मानी जाएगी और उसके बाद वह सलाहकार यानी परामर्श समिति के रूप में कार्य करने लगेंगे। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा विशेष आदेश और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया है और कहा गया है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र को हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। पंचायतों का कार्यभार पंचायत प्रतिनिधि ही देखेंगे। ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायतों को 16 जून के बाद परामर्श समिति यानी सलाहकार समिति में तब्दील कर दिया जाएगा। इधर CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री का भी बयान आया है इस पर। 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षा रद्द की गई थी। बीते दिन बिहार में आंधी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर और पूर्वी बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है और आज भी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। अगर देश स्तर पर बात कर ले तो देश स्तर पर कोरोना संक्रमण की दर 7% नीचे की ओर आ गया है। ब्लैक फंगस की दवा के निर्यात पर रोक लग गई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका जो है खारिज हो गई है। ममता के सलाहकार पर आपदा कानून की धारा लागू किया गया है। और इधर बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में भी संक्रमण दर जो है वह काफ़ी नीचे की ओर आया है। बिहार में कल नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1174 पहुंची है। बिहार में 1174 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान यानी कल मंगलवार को किया गया है। बिहार में संक्रमण व स्वस्थ होने की दर में देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार जो है देश में दूसरे स्थान पर है, यानी कि बिहार में संक्रमण और स्वस्थ होने की दर दूसरा स्थान देश स्तर में बिहार का है। पर्यावरण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और बयान आया है कि पर्यावरण रक्षा हम सभी का बुनियादी दायित्व है। टीकाकरण सबसे कारगर उपाय, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RP Singh ने जदयू कार्यकर्ताओं के साथ है समस्त बिहारवासियों को से अपील की है कि आप टीका जरूर लगाएं। PMCH में सर्जिकल इमरजेंसी ICU शुरू। उद्यमी योजना पोर्टल पर सबसे पहले दिन नहीं हो सका कोई आवेदन। इधर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीका एक्सप्रेस से शहरों में टीकाकरण में आएगी तेजी। 4 माह के लिए 130 करोड़ आवंटित किए गए शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय वित्तीय वर्ष में। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना पर राज्य सहमत। देखिए पैक्स को अब बैंकिंग का रूप दिया जा रहा है और राज्य जो है सहमत हो गया है योजना पर। राज्य ये जो योजना बनाई गई है उस पर राज्य सहमत है। डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगा विरोध जताया। सलाहकार समिति में पंचायत प्रतिनिधि रहेंगे। सलाहकार समिति जो बनेंगे उसमें पंचायत प्रतिनिधि रहेंगे। राज्य के 18 जिलों में 50% से भी कम मास्क बटे हैं। इधर अगर बात कर लें बिहार में तो बिहार में संक्रमण दर जो है काफ़ी कम हुआ है। इधर JEE मेन की शेष परीक्षा जुलाई और अगस्त महीने में होगी और 31 को समय पालन में देश में पहले नंबर पर रहा कुमरे। पटना जंक्शन पर किट नहीं होने से जांच में हो रही है परेशानी। इधर बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कहा है कि बिहार में शिक्षक की बहाली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा, लेकिन जब भी बहाली होगी पहले उनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ सुनील। मगध संवाद के खास कार्यक्रम में तमाम व्यूवर्स को स्वागत है। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है।
हम खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत सारे व्यूअर्स जो है सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपसे निवेदन है कि हमारी सदस्यता शक्ति बढ़े, सदस्यता संख्या बढ़े, इसको लेकर आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले सबसे आगे मिलते रहे। चाहे वह शिक्षा से जुड़ी समाचार हो, राजनीतिक से जुड़ी समाचार हो, पंचायत चुनाव से जुड़ी समाचार हो, तमाम खबरों को आपके लिए जो आपको जानना जरूरी होता है चुनकर आपके लिए लाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली खबर को हम लेते हैं, लॉकडाउन 4 आज से प्रारंभ हो गया, यानी आज से दुकान खुलने और बंद होने की समय अवधि में परिवर्तन हो गया है, यानी कि अब 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन 4 में कई छूटें दी गई हैं और कई पाबंदियां भी बरकरार हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज से सरकारी दफ्तरों में 25% उपस्थिति होगी, लेकिन निजी कार्यालयों में, निजी दफ्तरों में यह नियम लागू नहीं रहेगा। सरकारी दफ्तरों में भी करीब 1 महीने भर बाद कामकाज शुरू होगा आज से। हालांकि अभी दफ्तरों में उपस्थिति 25% ही रहेगी और कामकाज शाम 4 बजे तक होगा। बिहार में बुधवार से यानी आज से लॉकडाउन 4 प्रभावी हो जाएगा। पहले के मुकाबले दुकानें अब ज़्यादा खुलेगी। लॉकडाउन 3 के मुकाबले दुकानों के खुलने की समय सीमा में बढ़ गई है। अब दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। लॉकडाउन 4 में कुछ सहूलियतें भी दी गई, हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो यह एक बड़ी खबर बिहार के लिए है कि धीरे धीरे बिहार को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री ने लॉकडाउन को लेकर कहा है कि हम अभी इस पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आपदा प्रबंधन का जो निर्णय होगा उसको लेकर हम कार्य करेंगे। स्कूल खोलने, कोचिंग खोलने की बातों पर उन्होंने मीडिया को बताया कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है, मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, वो जैसा आएगा शिक्षा विभाग उस प्रकार से काम करेगी। तीसरी लहर की जो बातें की जा रही है, तीसरी लहर पर जब तक कुछ आकलन नहीं होता है तब तक स्कूल खुलने का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। जहां तक बता दें कि तीसरी लहर को बच्चों को प्रभावित करने वाली है, तो इसमें बिहार सरकार, शिक्षा विभाग कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है। यानी फिलहाल अगस्त तक कह सकते हैं कि स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है अनुमान के अनुसार। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के साथ, अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ एक खास बैठक हुआ और बैठक के बाद कैबिनेट में उसे पास भी कर दिया गया। जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो संभावना है, जो जरूरी है, उसको तमाम अध्यादेश को लाकर राज्यपाल के पास में भेज दिया गया है। सहमति मिलते ही उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव, पंचायत चुनाव 2021 को फिलहाल के लिए टाल दिया गया। कारण कोरोना संक्रमण, कोरोना काल, यानी कि 15 जून के बाद अचानक, माने 15 जून के बाद स्वतः पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त मानी जाएगी। यानी कि 16 जून से नई समिति के रूप में वही जनप्रतिनिधि परामर्श यानी सलाहकार समिति के रूप में कार्य करेंगे। इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि हम लोकतंत्र को बरकरार पंचायतों में रखना चाहते हैं। ग्राम कचहरी, सरपंच और ग्राम पंचायत के मुखिया जी को, जिला परिषद को, पंचायत समितियों के लिए, सभी के लिए अलग अलग परामर्श समिति, सलाहकार समिति बनाए जाएंगे और वह कार्यकाल को देखेंगे। इधर आपको बताते चले कि किसानों के अनुदान के लिए 90 करोड़ दिया गया है। 15 जून के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और इधर ग्राम, राज्य की ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम 16 जून से सलाहकार समिति यानी परामर्श समितियां संभालेंगी। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। वर्ष 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ और ग्राम कचहरी 16 जून के बाद स्वतः भंग मानी जाएगी। इस तरह 15 जून के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पंचायतों का और कचहरियों का काम प्रभावित नहीं हो सके, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल की सहमति के बाद अध्यादेश लाकर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद परामर्श समूह समिति के समूह स्वरूप आदेश जारी होगा। यह तय किया जाएगा कि समिति में कौन कौन रहेंगे। हर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के लिए समिति गठित होगी। तो अब इस तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव
टल गया है, लेकिन वह प्रतिनिधि कार्य में बने रहेंगे, नए नामों से जाने जाएंगे, परामर्श समिति के नाम से जाने जाएंगे, सलाहकार समिति के नाम से जाने जाएंगे। इधर वैकेंसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसियों का अंबार लगा रहा है। बिहार में अब चाहती है बिहार सरकार कि अब स्वास्थ्य कर्मियों की कमी न रहे, इलाज लोगों को होता रहे। तैयारी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग में 30,000 नियुक्तियां होंगी, चिकित्सक, नर्स और अन्य पदों पर की जाएगी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग एक साल में इन पदों पर करेगा बहाली। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए वर्ष 2021-22 में यानी अगले एक साल में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 30,000 नियुक्तियां की जाएगी। विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव सहित उच्च अधिकारियों की बैठक में इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। मंगलवार को विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर संघ समीक्षा करते हुए भविष्य के लिए तैयार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग के अनुसार 6,338 विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सक, 3,270 आयुष चिकित्सक, GNM NHM 4,671 एवं ANM 9,233 नियुक्तियां 15 सितंबर 2021 तक कर लेने का निर्देश बैठक में लिया गया है, यानी कि सितंबर 15 सितंबर से पहले वह अब नियुक्तियां हो जानी है। इधर अगर बात करें शिक्षण कार्य की, तो बिहार में भी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फैसला लिया गया है इधर CBSE को लेकर, CBSE में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को तत्काल रद्द कर दिया गया है। 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह फैसला छात्रों के हितों में ध्यान में रखकर सरकार ने लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा है कि छात्राओं का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है, तो फिलहाल परीक्षा को टाल दिया गया है। इधर बीते दिन अचानक फिर से आंधी बारिश ने बिहार में मिजाज को बदल दिया है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पटना हावड़ा रेल रूट पर पेड़ गिरने से ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। बारिश के कारण छपरा में दीवार गिरने से एक की मौत हो गई। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली थी हवा। उत्तर और पूर्वी बिहार में येलो अलर्ट जारी है, बारिश के आज ही आसार बताए गए हैं। इधर ब्लैक फंगस की दवा के निर्यात पर रोक है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एम्फोटेरिसियन बी इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके इस्तेमाल में ब्लैक फंगस से पीड़ित रोगियों को इलाज में किया जाता है। देश में राहत की खबर यह है कि देश में संक्रमण दर है, कोरोना संक्रमण दर जो है वो 7% से नीचे आ गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में राज्य दूसरे स्थान पर पटना मैंने बिहार रहा है। स्वस्थ होने की दर पर देश स्तर पर बिहार का दूसरा स्थान रहा है। कोरोना संक्रमण से लगातार कमी आ रही है। पिछले 22 दिनों में संक्रमण दर में 24.8% से घटकर मंगलवार को 6.6% पर आ गई है, तो देश स्तर पर भी काफ़ी खास असर है। यानी पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। लोगों के द्वारा जमानत के लिए मांगे उठाई जा रही है। लगातार आपने देखा है कि उनके समर्थकों के द्वारा आवाज़ें बुलंद की जाती रही है पटना की सड़कों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। इधर सख्ती के साथ में ममता के सलाहकार पर आपदा कानून की धारा लागू की गई है। इधर अगर बात कर ले आगे की ओर, तो बिहार में कई पाबंदियों के साथ है आज बिहार में लॉकडाउन 4 का आगाज हो गया है। यानी कि इस प्रकार से जो है बिहार संक्रमण और स्वस्थ होने की दर में देश दूसरे स्थान पर है। सूबे में 1,174 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और लगातार इसमें कमी होती जा रही है। 5 प्रमुख राज्यों में स्वस्थ होने का संक्रमण दर अलग अलग है, बिहार दूसरे स्थान पर है। यानी कि लगातार यहां पर जो है बिहार में, जबकि आज देखिए संक्रमण दर बीते दिन की माने तो संक्रमण दर 1.10% पर और स्वस्थ होने की दर 96.97% तक पहुँच गई है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी का बुनियादी दायित्व है। बिल्कुल पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्यों पर इस तरह के आफत आते जाएंगे। टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है, RPC जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है। सड़क सुरक्षा के करोड़ों पड़े रहें, नहीं खरीदे जरूरी सामान। सड़क सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपये पड़े रहें लेकिन कोई सामान नहीं खरीदा गया, ये तो बिल्कुल गलत है। 35 लोग एक साथ दे सकते हैं परीक्षा, अधीक्षक ने बताया कि एक साथ बहुत सारे लोग परीक्षा दे सकते हैं। PMCH में सर्जिकल इमरजेंसी और ICU शुरू कर दिया गया है। उद्यमी योजना पोर्टल पर पहले दिन नहीं हो सके कोई भी आवेदन। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि टीका एक्सप्रेस से शहरों में टीकाकरण में तेजी आएगी।
चार माह के लिए 130 करोड़ आमंत्रित शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय के वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य स्कीम से संचालित महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत माह अप्रैल से जुलाई चार माह के लिए व्यय हेतु राशि का आवंटन कर दिया गया है। डॉक्टरों ने काला बिला लगाकर विरोध जताया है। 15 तक स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द। सलाहकार समितियों में पंचायत प्रतिनिधि रहेंगे और काम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इधर पैक्स से कंप्यूटराइजेशन योजना पर राज्य सहमत हो गई है। अब पैक्सों को बैंकिंग की तरह बनाया जा रहा है। लोन दिया जाएगा, पैसे जमा लिए जाएंगे, लेन देन का भी कार्यकाल शुरू किया जाएगा। अब केंद्र के पास में इस योजना को भेजा गया है। इस योजना को केंद्र से सहमति मिलने के बाद में बिहार में इसको लागू कर दिया जाएगा। 2-3 के बाद में देखिए जल जल योजना, बिजली मीटर योजना के बाद में इस योजना को लाकर बिहार फिर एक देश के लिए बड़ा काम करने जा रही है, जिसका उतार दूसरे राज्य भी करेगी। इधर राज्य के 18 जिलों में 50% से भी कम मास्क बटे हैं। इधर अगर बात कर लें बिहार के अन्य खबरों पर, तो कई अन्य खबरें भी सामने निकल कर आई है, जिसमें जेई मेन की परिशेष परीक्षा जुलाई व अगस्त में संभावित हैं। छात्रों के पास तैयारी का बेहतर मौका है, मिला है समय तो तैयारी करनी चाहिए। जब परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाए तो और रफ्तार बढ़ जाता है। इधर 31 को समय पालन में देश में पहले नंबर पर हो रहा है कुमरे। सीतामढ़ी में भूमि बीमा से अधेड़ की पीट कर हत्या। संक्रमित पति के मौत के बाद परिजनों ने किया किनारा, पत्नी ने दी खुद मुखाग्नि। क्या समय की घड़ी आ गई है। पटना जक्सपन किट नहीं होने से जाँच में परेशानी। पटना किट जक्शन पर जो है किट की कमी हुई, जिससे जांच में कुछ कमी आई है। सूबे में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई है। मोतिहारी, नालंदा में 3-3, शेखपुरा में 2, पूर्णिया में 1, पूर्णिया में 2, खगड़िया वैशाली में 1-1 की गई है जान। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।